हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पैंट प्लाजो में, पैंट्स में, प्लाजोज में या सलवार की मोहरी में भी आप किस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर बना सकते हैं उनको। बहुत ही सिंपल से सिर्फ जो आपका मेन फैब्रिक है उसी का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पैंट की मोहरी में डिज़ाइन। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5 इंचेस की स्ट्रिप कट की है और साथ ही में इस तरह की स्ट्रिप हमने बना ली है। डोरी, मोटी सी डोरी बना करके उसे टर्न करके आयरन करके हमने इसे फ्लैट कर लिया है। तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट साइड से हमें इसमें स्ट्रिप्स को कुछ इस तरह से लगाना है। एक स्ट्रिप हम ऐसे लगाएंगे और एक दूसरे साइड से। ये फ्रंट साइड है हमारा, सीधा फैब्रिक है, ये देखिए। और हमें स्ट्रिप्स लेनी है कुछ, 2 इंच की स्ट्रिप लेनी है, 2 2 इंचेस की स्ट्रिप हमें यहाँ पर कट करनी होगी इस तरह से, देखिए। और अब एक स्ट्रिप हम 1 इंच की डिस्टेंस पर इस तरह से क्रॉस करके लगाने वाले हैं। अगेन, अब इसी प्लेस से एक स्ट्रिप हम इस साइड लगाएंगे और एक स्ट्रिप 1 इंच की डिस्टेंस पर हम इस तरह से लगाएंगे। बहुत ही ईजिली ये बनकर रेडी हो जाएगी, ये देखिए। और इसी स्ट्रिप के पास से एक स्ट्रिप अगेन इस डायरेक्शन में और एक स्ट्रिप अगेन 1 इंच की डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से लगाएंगे। और फिर एक स्ट्रिप हम इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से क्रॉस क्रॉस की स्ट्रिप्स ऑलरेडी देखिए प्रॉपर प्लेसेस पे क्रॉस ऑटोमेटिकली होते जाएंगी। अगेन, एक स्ट्रिप 1 इंच की डिस्टेंस पर इस साइड लगाएंगे। तो ये हमारी शेप पूरे जो मोहरी है हमारी, पूरी मोहरी में, पूरे बॉटम में ये बनकर, इसी तरह से पूरे में ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने इस तरह से पूरे में देखिए लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, सारे फैब्रिक को, सारे जो स्ट्रिप्स हैं उनको हमें इस साइड में यूं कर लेना है और इस साइड का जो फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर, यहाँ स्टिचेस के ऊपर ओवरलैप करना है, जिससे हमारे बॉटम की जो मोहरी की फिनिशिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ओवरलैप करेंगे और एक स्टिच ले लेंगे, ये देखिए। इससे हमारी मोहरी की जो फिनिशिंग है वो हो जाएगी पूरी, ये देखिए। इस तरह से हमें ये फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से, ये सारी स्ट्रिप्स को हमें बाहर रखना है। ध्यान रखें इस बात का कि सारी जो हमारी स्ट्रिप्स हैं उन्हें हमें बाहर रखना है और उसके बाद हमें इस पर इस तरह से एक स्टिच लेनी है। ये हमने इसे बनाकर स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर बॉटम की साइड में भी एक टॉप स्टिच हमें लगानी है, बॉटम की साइड में भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम इस पूरे पार्ट को अपनी मोहरी के डिज़ाइन के साथ, पैंट के बॉटम के साथ अटैच करेंगे। ये पैंट है और पैंट का बॉटम ये रहा, इसमें हम इसे अटैच करने वाले हैं। ये कुछ इस तरह से अटैच होगा क्रिस क्रॉस होते हुए। तो इसमें फिनिशिंग लाने के लिए हम इसे इस साइड से ऐसे अटैच करेंगे तो ये प्रॉपर फिनिशिंग आएगी। जो भी ये स्ट्रिप की लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसे यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, ये देखिए। हाफ हाफ इंच की डिस्टेंस पर हमें स्टिचिंग करनी है। एक स्ट्रिप हमारी इस साइड आएगी और एक स्ट्रिप हमारी इस साइड जाएगी। सारी स्ट्रिप की लेंथ प्रॉपर बिल्कुल करेक्ट लेंथ है, तो इसलिए जो हमारा बॉटम का फैब्रिक है उसकी भी जो डिस्टेंस है वो हर जगह से एक्यूरेट आएगी, ये देखिए। इस तरह से हमें इसे क्रिस क्रॉस करते जाना है। ये ऑलरेडी क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही हमने स्टिच किया है तो क्रिस क्रॉस करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, यहाँ से ये
बस स्ट्रिप को उसकी प्लेस पर ले जाना है ऐसे, और स्टिच करना है हाफ इंच की डिस्टेंस पर। ये देखिए कुछ इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने इसे पूरा स्टिच कर लिया है। अब इसे हम ऐसे टर्न कर देंगे और यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच ले लेंगे, जिससे हमारी ये डिज़ाइनिंग की पूरी प्रॉपर फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारी ये बॉटम की पूरी डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो हर एक क्रॉस पॉइंट पर आप बीड्स लगा सकते हैं, डिज़ाइनर बटन्स लगा सकते हैं, या यूँ भी आप टाई अप कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।